दोस्तों आज हम बात करेंगे रेस 3 के बारे में। रेस 3 रेस फिल्म की तीसरी इंस्टॉलमेंट। रेस इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, जिसको लिखा था शिराज अहमद ने और डायरेक्ट किया था बाज मस्तान ने, और फिल्म को प्रोड्यूस किया था रमेश एस तुरानी और कुमार एस तुरानी अंडर द बैनर ऑफ टिप्स फिल्म्स। रेस एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म थी जिसमें सैफ अली खान, बिपाशा बासु, अक्षय खन्ना, कैटरीना कैफ, अनिल कपूर और समीरा रेड्डी पिवटल रोल्स में थे, और फिल्म में साइड रोल में थे दिलीप ताहिल और जॉनी लिवर। रेस की सेकेंड इंस्टॉलमेंट थी रेस 2, जिसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, जैकलीन फर्नांडेज और जॉन अब्राहम लीड रोल में थे। रेस 2 डबल एंटरटेनमेंट था एज कंपैरिजन टू रेस। रेस 2 को लिखा था शिराज अहमद ने और डायरेक्ट किया था अब्बास मस्तान ने। अब्बास और मस्तान बर्मा वाला दो भाई हैं और दोनों जाने जाते हैं अपने स्टाइलिश सस्पेंस एक्शन रोमांटिक थ्रिलर फिल्म्स डायरेक्शन के लिए। अब्बास मस्तान ने बहुत सी सुपरहिट फिल्म दी हैं जैसे कि खिलाड़ी, बाजीगर, सोल्जर, रेस, रेस 2 और अभी लास्ट फिल्म थी किस किस को प्यार करूं, जिसमें कपिल शर्मा लीड रोल में थे और इस फिल्म से कपिल शर्मा ने डेब्यू किया था। दे हैव फ्रिक्वेंटली कास्ट अक्षय कुमार, बॉबी देओल, अक्षय खन्ना, बिपाशा बासु, शाहरुख खान और करीना कपूर। और अभी हाल ही में अब्बास के बेटे मुस्तफ़ा को लॉन्च किया था मशीन फिल्म में। मुस्तफ़ा ने मशीन फिल्म से अपना डेब्यू किया था। रेस 3 एक इंडियन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको लिखा है शिराज अहमद ने और डायरेक्ट किया है रेमो डिसोजा ने। फिल्म में सलमान खान, बॉबी देओल, जैकलीन फर्नांडिस, देशी शाह लीड रोल में हैं, और इस फिल्म में सैफ अली खान का एक कैमियो रोल भी हो सकता है, और फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में नरगिस फाकरी और कैटरीना कैफ भी हो सकती हैं। रेस 3 में नरगिस फाकरी और कैटरीना कैफ का आइटम सॉन्ग भी होगा। सूत्रों की माने तो सलमान खान ने रेमो के सामने कुछ कंडीशंस रखी हैं कि फिल्म में कोई भी किसिंग सीन और किसी भी तरह की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, फिल्म में कोई ड्रग्स नहीं लेगा और फिल्म में कॉमेडी जरूर होनी चाहिए, तभी मैं फिल्म में काम करूंगा। सलमान खान और अनिल कपूर रेस 3 में फिर से एक साथ नजर आ सकते हैं। ये दोनों सलमान खान और अनिल कपूर पर्दे के पीछे और पर्दे पर भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और बेहतरीन केमिस्ट्री शेयर करते हैं। सलमान और अनिल ने एक साथ बहुत सी सुपरहिट फिल्म दी हैं जैसे कि बीवी नंबर 1, नो एंट्री, सलामे इश्क और अब रेस 3। अनिल कपूर इसलिए क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न से भरी रेस सीरीज की पिछले फिल्मों में कॉमिक एलिमेंट अनिल कपूर की वजह से आया था। ऐसे में देखा जाए तो इस फिल्म में अनिल कपूर का किरदार भी शामिल हो सकता है। फिल्म की स्टोरी स्टार्ट वहां से होती है जहां रेस 2 समाप्त हुई थी। रणवीर सिंह यानी कि सैफ अली खान, रणवीर सिंह को एक मिस्टीरियस मैन ने मार डाला है और ये रणवीर सिंह के दुश्मनों में से किसी एक ने किया है। बहुत जल्द रणवीर सिंह नया जन्म लेते हैं रोहन सिंह यानी कि सलमान खान के रूप में। रोहन सिंह बड़े होकर अपने पिछले जीवन को रणवीर सिंह के रूप में याद करते हैं। उनके दोस्त दर्शन ठाकरे यानी कि बॉबी देओल, जो को इंसिडेंटली रेस फिल्म से राजीव सिंह यानी कि अक्षय खन्ना का पुनर्जन्म होता है, हालांकि दूसरे जन्म में कोई दुश्मनी नहीं है, और दर्शन यानी कि बॉबी देओल को अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ याद नहीं है, और ना ही रोहन को पता है कि दर्शन पिछले जन्म में उनके स्टेप ब्रदर थे। रेस और रेस 2 में सैफ अली खान थे, लेकिन रेस 3 में सैफ अली खान की जगह सलमान खान है। अब देखना यह होगा कि सलमान खान कितना रिप्लेस कर पाते हैं सैफ अली खान को, और आपको क्या लगता है, विल ही और नॉट, कमेंट करके जरूर बताएं। फिल्म की रिलीज टाइम ईद के टाइम रखा गया है और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं सलमान खान और रमेश एस तुरानी अंडर द बैनर ऑफ टिप्स फिल्म्स और सलमान खान फिल्म्स, डिस्ट्रीब्यूटेड बाई फॉक्स स्टार स्टूडियोज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले इंटरेस्टिंग फिल्मों के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।